नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तारा चंद और आज भाई नदीम और हमारे सारथी बाइचिंग भाई के साथ मैं निकल चुका हूं जुलुक के रास्ते पर। कल रात को मैं गंगटोक पहुंचा था और यहां से हम सुबह परमिट लेकर अब जा रहे हैं जुलुक। जुलुक पहुंचने से पहले हमको देखने को मिलेगा चांगू लेक, जहाँ पे हमको याक भी देखने को मिल सकता है और बताया जा रहा है कि रात को स्नोफॉल हुई तो वो भी मिल सकती है। इसके अलावा उसके बाद हम जाएंगे बाबा हरभजन मंदिर, जो कि एक सैनिक थे, कहा जाता है कि आज भी जो सीमा की रक्षा है वही करते हैं। और उसके जस्ट ऊपर 3 से 4 किलोमीटर ऊपर नाथुला पास, जहाँ पर भारत और चाइना का जो बॉर्डर है, वहाँ जो सैनिक है, मतलब आप 10 कदम दूरी पर चाइना के और 10 कदम दूरी पर इधर भारत के जवानों को देख सकते हैं। शायद वो भी हम देखेंगे आज नहीं तो 3 दिन बाद। उसके पास ही निकलेंगे हम कुपुक लेक, तो काफ़ी फेमस है। और उसके बाद आएगा आपका जो फेमस है सिल्क रोड, यानी जो जिगजैग वाला जो रोड है जो फेमस है इस रूट का, वो आएगा। उसके बाद आएगा जुलुक, तो हमारा नाइट स्टे जो है 2 दिन का वो जुलुक रहेगा। और उसके आसपास के इलाके भी हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए अपने दोस्त तारा सिंह के साथ। ये चेक पोस्ट है गंगटोक से। जब आप चांगू लेक या नथुला पास जाएंगे तो आपको रास्ते में काफ़ी चीज़ मिलेगी खाने पीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर काफ़ी घर भी है और आपको ठंड से लेकर बरसात में पानी से बचने के लिए या खाने की आपको पूरी सुविधाएँ आपको मिलेगी। इसलिए उठाइए बैग और निकल पड़िए पहाड़ों की तरफ। ये देखिए आप बॉर्डर रोड नाथुला 25 बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले हैं। गंगटोक से मैं पहुंचा हूं कयोंग घोसला, यानी नाथुला और गंगटोक के बिल्कुल बीच का इलाका है। 2015 में मैं आया था, कैलास मानसरोवर यात्रा जब स्टार्ट होने वाली थी तो यहां सेंटर बनाया गया था ये वाला, और इसी जगह हम रुके थे। अब इससे आगे हम पहुंचेंगे चांगू लेक, उसको देखते हुए फिर हम पहुंचेंगे बाबा हरभजन मंदिर और उसके बाद कुपुक होते हुए जुलुक, जहां की आपको झिकझिक सड़क हम दिखाएंगे। दो टिकट हम लिए हैं 720 के, अब हम यात्रा करेंगे ऊपर की। थैंक यू सर। तो ये तैयार है एंटर दिस वे रोपे जाने के लिए, और हम पहुंचे हैं ये प्रतिमा। ले पकड़ ट्रॉली में बैठ चुके हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे नाथुला जो रोपवे बना हुआ है, ऐसे चांगू जो रोपवे बना हुआ है उसके ऊपर, और बंद हो गया। हाँ। दोस्तों काफ़ी ठंड है, अगर इस मौसम में अगर आप आ रहे हो तो सारे सामान यानी स्वेटर टोपी ग्लव्स, विंटर में जो बेस्ट से बेस्ट हो वो आप लेके आए, वो शूज जो -20 तक या उससे ऊपर तक, ये आप देखें जो शोरूम है इंडिया के अंदर वो ट्रैकिंग का सबसे बेस्ट शोरूम है, वहाँ जाए और कपड़े खरीद लाए। और हमारी गाड़ी चलने वाली है, सांस फूल रही है इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रहा है, लेकिन आपके लिए हम बोलेंगे, हक से बोलेंगे। इतना बन गया तुम्हारा वीडियो। तो क्या हाल दीदी, क्या हाल है या एकदम, कहाँ घूम रहे हो? देखे इंडिया घूमने निकले थे, सिक्किम की तरफ आए। ओहो वेरी गुड। तो दोस्तों देखिए कितना शानदार ये एक राइड है रोपवे का। आपने शहरों में राइड की होगी लेकिन 12,900 फीट हाइट पर रोपवे है और वहां से अगर बहुत भव्य व्यू दिखता है, एक तरफ चांगू लेक और दूसरी तरफ एक रोड का झिकझिक रोड, तो आपको जरूर आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये नज़ारे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप गंगटोक में हैं तो उठाइए टैक्सी, अच्छा एक राइडर ढूंढिए, ड्राइवर ढूंढिए, गाड़ी ढूंढिए और पहुंच जाइए सीधा चांगू लेक। ये
नाथुला के बिल्कुल पास में, ये देखिए आप रोप वे निकला यहाँ से। तो ये जो नजारे हैं ये आपको आनंदित कर देंगे, मजा आ जाएगा, सारा पैसा जो है आपका वो वसूल हो जाएगा। और यहाँ आने के बाद आपको एक चीज जरूर मिलेगी, शांति, सारा जो आपके दिमाग में टेंशन है वो सब कुछ खत्म। बहुत बेहतरीन दोस्तों, ये है पहाड़ पर से गजब का हमारा भाईचुंग भाई, बहुत मस्त आदमी है। कभी आए तो इनसे जरूर कॉन्टेक्ट करा आप सिक्किम में, आपको अच्छी राइड और अच्छा घुमा देगा आदमी है। क्या नंबर तुम्हारा? बच्चों नंबर 9993-628-646। तो दोस्तों आप इनसे मदद ले सकते हैं अगर सिक्किम आए तो, अच्छे हैं, इनकी गाड़ी भी अच्छी है और ये भी अच्छे हैं। ओ इनको तो आप जानते ही हैं। इनको नहीं, इनको नहीं जानते। इनको ये आपको पता ही होगा। नमस्ते, कैसे हैं? बहुत जोरदार ठंड के, ठंड है, अच्छा ठंड अच्छा है, बहुत है। दुकान भी है ऊपर कुछ, लेस बिस्किट सब कुछ मिलेगा, कॉफी भी मिलेगी आपको अगर आप यहाँ पे आएंगे तो। क्या क्या मिलेगा? चाय, कॉफी, लेमन टी सब मिलेगा। तो आप आइए रोपवे पे। और ये एक मंदिर भी है, ऊपर जाएंगे देखेंगे कौन सा मंदिर है ये। ये देखिए दोस्तों, चांगू लेक का एयर व्यू जो कि यहाँ पे रोपवे बना गया है उससे लिया गया है। ऊपर एक मंदिर भी है। तो आप ये रोप वे दोस्तों देखिए, आप मनकामना माई का मंदिर है, आपकी भी मनोकामना है तो आप ये मांगिए। रोप वे से आप आने के बाद यहाँ थोड़ा चलना पड़ेगा और अद्भुत जगह है। थोड़ी सी तकलीफ होगी चलने में क्योंकि 15,000 फीट करीब हाइट पे हैं तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है, जैसा कि आपको मेरी आवाज़ में दिख रहा होगा। ये देखिए आप रोपवे का, 15,000 फीट पे रोपवे और वहाँ से ये बेहतरीन नज़ारा। ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रहा है। ये देखिए आप दोस्तों, काफ़ी ठंड है यहाँ पे और उंगलियाँ सुन्न हो रही है और हम अभी है 15,000 फीट हाइट पर, ऑक्सीजन की कमी है तो बोलने में भी दिक्कत आ रही है। ये पहला व्यू पॉइंट है चांगू लेक जो है, पहले हम नीचे से देखते थे तो काफ़ी वाइड दिखता था लेकिन एरियल व्यू क्योंकि यहाँ ड्रोन अलाउ नहीं है। तो पास में ही रोपवे बना है एक दो साल पहले, बोलने में दिक्कत आई तो हम रुकिए। आप मोबाइल वीडियो ऑन रहेगा, मैं रुक रहा हूँ। अभी क्लाउड आने वाले हैं, ये देखिए आप, ये चांगू लेक है, पवित्र लेक है सिक्किम की। और नीचे चांगू माई का एक मंदिर भी है वो आप लाल कलर का देख पा रहे हो, बाकी मैं नीचे जाके दिखाऊंगा। तो आइए आप भी, काफ़ी गजब की जगह है यहाँ पे, मनका माई का मंदिर भी है जो कि नेपाल का प्रसिद्ध धाम है। तो आप ऊपर आके मनका माई का दर्शन कर सकते हैं, नीचे जाके चांगू लेक के दर्शन कर सकते हैं। चांगू लेक के ऊपर हमें रोपवे से आए हैं और जब पहले नीचे चांगू लेक था तो कम व्यू मिलता था लेकिन अभी एरियल व्यू है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे साथ एक कपल है, क्या नाम आपका? मेरा नाम है पूर्णा। पूर्णा कहाँ से आप? बांग्लादेश से आए हैं। अरे वाह, घूमने के लिए? घूमने के लिए। तो कैसा लग रहा है आपको इंडिया में चांगू लेक? बहुत अच्छा, ओके। हमारा एक साथी घायल हो गया है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। नदीम कितनी ऑक्सीजन कम हुई? एक किलो कम हुई है। हम आपको बताते हैं ऑक्सीजन किलो में नहीं लीटर में होती है। तो नीचे जाते हम कभी 2 किलो चाय पियेंगे और ऑक्सीजन लेवल को बराबर करेंगे। ये आगे हम देखें, ये हिसाब किताब लिखा है। दादा हाँ, बताओ तो बेटा। Yes.
कफन बांध के आया भाई हम घर से निकले हैं कफन बांध के, या तो कुछ लेके जाएंगे या यहीं के होके रह जाएंगे। वाह वाह, महादेव हमेशा पहाड़ों में रहते हैं, चाहे कैलाश मानसरोवर हो या अमरनाथ हो। ये रास्ता जो पीछे आप देख रहे हैं ये कैलाश मानसरोवर जाता है। अगर आप चीन के अंदर तिब्बत में प्रवेश करेंगे तो रास्ता कैलाश मानसरोवर जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2015 में स्टार्ट हुई थी, यही रास्ता था। उस समय सड़क बहुत खराब थी, यहाँ पहुंचने में हमको 5-6 घंटे लगे थे, लेकिन आज मात्र 2 घंटे में हम यहाँ पे आ गए हैं। बहुत प्यारी जगह है, तो आप आराम से आ सकते हैं। तो आप भी लीजिए रोपवे का आनंद। ये पीछे चांगू लेक है। याक नाराज हो गया है, मुंह घुमा लिया इतना। दोस्त यार क्या है, घूमने आया हूँ मैं, घूम जाए इधर। जो याक चराते हैं ना, हाँ, उसका एक घर था बोल रहा था इधर। अच्छा, तो दादी जी को सपने में आया था उस ये इधर पानी भरेगा बोल के। अच्छा। तो गाँव वाले सबको बोला था, बोल रहा था, तो उस टाइम में किसी ने नहीं सुना। तो दूसरे दिन ये पूरा भर गया, लेक बन गया। अच्छा, तो इसीलिए इसको सब मानता है, पूजा करता है। चांगू लेक क्यों बोलते हैं इसको? अभी चांगू का मीन्स आपका ऐसा है, ये कप बोलते ना, कप कप को वैसे ही टाइप में है। हम लोग चांगू एक हम लोग का जो न्यू ईयर आता है, हाँ, बुद्धिस्ट का न्यू ईयर आता है, उसमें हम लोग वो चांगू बोलता है। उसमें लाइक अल्कोहल टाइप का होता है, हाँ, वो पीता भी है, हाँ, तो वो कप में देता है, हाँ, वो कप को चांगू बोलते हैं। वैसे ही चांगू बोलता है, तो इस कप ऐसे चांगू से दिखता है। हाँ। बर्ड्स तो उड़ गया। कितना दूर है गैंगटॉक से, कितना टाइम लगता है पहुँचने में? पे यहाँ अब सीधा आ गया तो मैक्सिमम 1.5 आवर्स में आप पहुँच जाएंगे।